नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाडी और सिलसिला बाजारों का मैं आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पे कम्युनिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन कम्युनिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है, किस कम्युनिटी के अंदर कितनी मंदी तेजी के साथ आज सुबह में ट्रेड दर्ज किया जा रहा है और उस पर रूपा मेहता की क्या राय है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करें हम यहाँ पे नॉन एग्री कम्युनिटीज़ में सोने और चांदी से। तो देख रहे हैं कि गोल्ड आज $1786 पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है और सिल्वर भी $22 के आसपास ट्रेड करती नज़र आ रही है। देख रहे हैं कि आज गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही लाल निशान देखने को मिल रहा है। दरअसल आज 14 तारीख है और कल 15 होगी, तो 14 और 15 को फेडरल रिजर्व बैंक की बैठक होने वाली है जिस पर निवेशकों की नज़रें टिकी हुई हैं, जिसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि सोने चांदी की कीमतों में एक प्रॉफिट बुकिंग बनती नज़र आ रही है। सारे निवेशक ये जानना चाहते हैं कि कहीं जो फेडरल रिजर्व बैंक है ब्याज दरों में कहीं बढ़ोतरी ना कर दे जिसकी वजह से उन्हें नुकसान ना हो जाए, जिसकी वजह से आज हमने देखा है कि सोने चांदी की कीमतों में एक प्रॉफिट बुकिंग बनती नज़र आ रही है। बात करें अगर कच्चे तेल की तो देख रहे हैं यहाँ पर WTI $70 पर है पौने एक फीसदी की गिरावट के साथ और ब्रेंट क्रूड ऑयल $74 पर आधे फीसदी की गिरावट के साथ। कल के मुकाबले देख रहे हैं कि WTI और ब्रेंट क्रूड ऑयल दोनों में ही दो दो डॉलर यानी दो दो पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। दरअसल कच्चे तेल में ऊपरी सबसे मुनाफा वसूली बनती नज़र आई है, लेकिन जो ओपेक और उसके सहयोगी देश है उन्होंने साफ कह दिया है कि 2022 का जो पहला तिमाही होगी यानी कि जो फर्स्ट क्वार्टर होगा उसमें कच्चे तेल की जो डिमांड और सप्लाई है वो ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन के जो प्लान्स थे अभी हाल ही की बैठक जो ओपेक की हुई थी उसमें एज इट इज़ रहने के डिसीजन लिया गया था, जिसकी वजह से कच्चे तेल की जो में कुछ हेरफदल नहीं हुआ है। और आज देख रहे हैं कि हफ्ते के दूसरे कारोबार दिन कच्चे तेल की कीमतों में ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली बनती नज़र आई है। इसी के साथ नज़र डालें अगर बेस मेटल्स पर, तो बेस मेटल्स में आज लाल निशान के साथ ट्रेड दर्ज किया जा रहा है। तो आज सोना चांदी कच्चा तेल और बेस मेटल्स में क्या करके चलना सही रहेगा, आइए जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका मांगेराम सीवी पर। जी शुक्रिया। रूपा जी देख रहे हैं सोना चांदी ने एक रेंज पकड़ ली है कि अब 1780 से लेकर ऊपर में 1790 इसी रेंज में सोना चांदी ट्रेड करते नजर आ रहे हैं, आपको क्या लगता है आज और कल जैसे 14 और 15 दिसंबर को फेडरल रिजर्व बैंक की बैठक होने वाली है, तो इस बैठक में क्या कुछ ऐसे निर्णय निकल के सामने आ सकते हैं जिसका असर सोने चांदी की कीमतों पर पड़ता नजर आए? देखिए अभी फिलहाल फेडरल रिजर्व बैंक की बैठक से पहले ही सोना चांदी जो है वो एक सीमित दायरे में कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव है। आप देखिए 48,000 के ऊपर एक बार फिर से सोना सस्टेन है, वहीं डोमेस्टिक इंटरनेशनल मार्केट्स में भी 1780 के ऊपर सस्टेन होता दिखाई दे रहा है। जैसे ही फेडरल रिजर्व बैंक की मीटिंग हो जाती है और उसमें से अगर कुछ भी इकोनॉमी को लेकर कुछ भी अपडेट निकल कर आते हैं तो उसका इंपैक्ट सोने के ऊपर आता हुआ हम देख सकते हैं, लेकिन जो ट्रेंड जो है वो एक्सपेक्टेड यही है कि सोना के अंदर अभी पॉजिटिव ट्रेंड बनता हुआ दिखाई दे सकता है और नीचे में 1760 है और ऊपर में $1820 की फिलहाल रेंज बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी हीजर पर ही बात करेंगे कच्चे तेल की, तो ओपेक ने तो साफ कह दिया है कि 2022 के फर्स्ट क्वार्टर में यानी कि पहली तिमाही में कच्चे तेल की डिमांड सप्लाई अच्छी देखने को मिलेगी, लेकिन आज देख रहे हैं कि प्रॉफिट बुकिंग बनती नजर आ रही है, आपको क्या लगता है इंट्राडे में कच्चे तेल में कैसा कारोबार देखने को मिल पाएगा? देखिए फिलहाल कच्चा तेल जो है वो गिरावट दिखाता हुआ आज इंट्राडे में दिखाई दे रहा है और ट्रेंड जो है अभी देखिए पॉजिटिव था, एक्सपेक्टेड था कि जो है डिमांड फैक्टर एक बार फिर से हावी हो सकता है जिसके चलते कच्चे तेल में तेजी बन सकती है, लेकिन आज वापस से बाजार गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं ऊपर से और एक करेक्शन में है। आज जो करेक्शन है वो बढ़ सकती है 5360 से 5320 तक नीचे बाजार लुढ़क सकता है, वहीं ऊपर की बात करें तो 5420 से 5460 का एक स्तर बनता हुआ दिखाई दे सकता है। फिलहाल कच्चा तेल भी एक रेंज में कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसा ही एक्सपेक्टेड है कि आगे भी फिलहाल जो है बाजार एक सीमित दायरे में रह सकता है, नीचे में $68 तो ऊपर में $72 की फिलहाल रेंज बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी रूपा जी देख रहे हैं आज बेस मेटल्स भी लाल निशान पर ट्रेड करते नजर आ रहे हैं, बेस मेटल्स में आज गिरावट देखने को मिल रही है, आपके अकॉर्डिंग आज बेस मेटल्स में क्या करके चलना सही रहेगा? देखिए बेस मेटल्स के अंदर भी अभी ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि देखिए फेड की बैठक है, इससे पहले सभी कमोडिटीज के अंदर ऊपरी स्तरों पर फिलहाल प्रेशर जनरेट होता हुआ दिखाई दे रहा है, इस वजह से बेस मेटल्स भी लुढ़के हुए हैं, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड बेस मेटल्स का भी पॉजिटिव है। आज इंट्राडे में गिरावट बढ़ सकती है
निकल नीचे में 1520 जा सकता है, और तो वहीं कॉपर की बात करें तो नीचे में 720 का स्तर फिलहाल देखने को मिल सकता है। जी रूपा जी, आपकी तरफ से आज नॉन एग्री में क्या टॉपिक्स रहेंगे? देख रहे हैं आज पूरी नॉन एग्री कम्युनिटीज लाल निशान पर ट्रेड करती नजर आ रही है। देखिए फिलहाल आज इंट्राडे में तो बिकवाली की कॉल लेकर चला जा सकता है, कच्चे तेल में भी सेल किया जा सकता है, और वहीं देखा जाए तो आज बेस मेटल में भी छोट-मोट गिरावट जो है वो बढ़ सकती है, लेकिन वहीं सोने और चांदी में तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। मुझे लगता है कि निचले स्तरों पर सोने के अंदर बाय किया जा सकता है, तो वहीं कच्चे तेल में बिकवाली करके चला जा सकता है। जी